अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखने वालों, आपको ज़ुबैर का सलाम। आज जुम्मतुल मुबारक बतारिक तेरह जनवरी 2022 सुबह की मार्केट है कराची फिशरी। और कराची फिशरी में तकरीबन 8 बजे का टाइम है। यूज़ एक पंजाब से ऑर्डर आया था मेरे पास, ये 15-20 किलो मछली का। ये तकरीबन किलो से कम का दाने थे। और इसमें मैंने 8.5 किलो डांगरी मछली ली जिसमें 12 दाने हैं। और इनकी मैंने डंडिया फिश भी ली थी 4 किलो, 200 ग्राम में 12 दाने थे। और इनकी मुल्ला मैंने ली एम्पीरियर मछली, ये तकरीबन 4 किलो 100 ग्राम में 5 दाने थे। एक पंजाब का ऑर्डर था जो मैंने पंजाब रवाना किया। डांगरी फिश मैंने इनको 950 रुपये के जी के हिसाब से दी, तकरीबन 900 ग्राम 800 ग्राम के दाने हैं ना। और एम्पीरियर मछली भी 950 के हिसाब से दी, वो 4 किलो 100 ग्राम में 5 दाने थे, वो भी तकरीबन 800-900 ग्राम के दाने थे। ये देखिए दाने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 दाने डांगरी के, ये 8.5 के जी है। अब ये डंडिया के हैं, ब्लैक डंडिया। दाने आधा किलो वाले से ज़्यादा बड़े कहे थे उन्होंने तीनों मछलियों के, लेकिन ब्लैक डंडिया शॉर्ट थे तो मुझे फिर ये लेने पड़े। इसमें आधा किलो वाले भी हैं तो 300-400 ग्राम वाले भी हैं। ये मुल्ला के दाने बड़े हैं, मुल्ला के 800-900 ग्राम के दाने हैं 4.1 के जी में। इसमें 5 दाने हैं, देखें 1, 2, 3, 4, 5। और डंडिया में भी 12 दाने हैं, लेकिन डंडिया जो है वो 4.2 के जी है। आधा किलो के भी हैं, 300 के भी हैं, 400 ग्राम के दाने हैं। जो खुशखबरी आ गई है कि पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर मिल गए हैं और हुक्मरान बड़े खुश हैं कि भाई चलो वक्ती तौर पे कोई जो मसला था आने वाला वो टल गया है। अल्लाह करे कोई मसला मुश्किल से पाकिस्तान निकल जाए। लेकिन कर्ज़ों पे कब तक आप चलेंगे? और मैं जो न्यूज़ देख रहा हूँ न्यूज़ चैनल्स पे, ये सारे जो है ना वो कर्ज़े हैं। मेरे ख्याल से जो ग्रांट्स है शायद वो 1 अरब डॉलर की है, बाकी सारे कर्जे हैं वो वापस करने हैं। तो आखिर ये कब तक चलेगा? अल्लाह से बेहतरी के दुआई कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कुछ आसरा पानी हो ना। और सब यही कह रहे हैं कि IMF जब तक क्लियरेंस ना देगा वो भी नहीं देंगे। जो कर्ज़ा इनको मिला है ना 10-11 अरब डॉलर का, उसी क्लियरेंस के ऊपर इनको मज़ीद मिलेंगे। और वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा कि क्योंकि IMF की जो शरायत हैं वो उसको मंजूर कर लेना आसान नहीं है। अगर उसको मंजूर करते हैं तो आवाम पे बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाले, लोगों के हालात बेहतर हों, दुआई कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपके लिए दुआ करूँगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, ये मैं कुरानदाजी कर रहा हूँ। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो में कमेंट्स किया था उनके लिए मैं कुरानदाजी कर रहा हूँ। तो जिनका नाम निकलेगा उनको 4 किलो मछली इन
इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी, वो फिशरी में मुझसे ले सकते हैं या टावर से। अगर उनके घर पे भिजवाऊंगा तो भाई क्या किराए दे दें, बस 4 किलो मछली को मिल जाएगी इंशाल्लाह, मीडियम रेंज की मछली होगी। देखिए किसका नाम निकलता, किस खुश नसीब का। आरिफ खत्री साहब का नाम निकला है और ये मैं इनको जानता हूँ, ये मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं और इन्होंने मुझसे 2 बार मछली भी मंगाई है। स्कीम 33 में इनकी रिहाइश है। आपको बहुत मुबारक हो खत्री साहब।